असलमेकुम डियर स्टूडेंट्स टूडे आवर टॉपिक इज़ कन्वेक्शन ऑफ हीट ये सेकेंड मैथड है हीट ट्रांसफ़र होने का फर्स्ट इससे पहले हमने कन्वेक्शन uh, पढ़ा था नाउ टूडे हमारा टॉपिक है आज कन्वेक्शन ऑफ हीट डेफिनेशन है इसकी द ट्रांसफ़र ऑफ हीट फ्राम वन प्लेस टू अनदर बाय द बल्क मोशन ऑफ फ्लूड्स इज़ कॉल्ड कन्वेक्शन कंडक्शन में तो इस तरह होता था कि मॉलिक्यूल्स को लाइड करते थे सिर्फ अपनी काइनेटिक एनर्जी या अपना टेम्परेचर साथ वाले एटम को मॉलिक्यूल को ट्रांसफ़र करते थे इसमें एटम एज ए होल ट्रांसफ़र होते हैं बुल्क मोशन ऑफ फ्लूड्स या फ्लूड्स एक जगह से दूसरी जगह पूरे के पूरे मूव करते हैं तो इसकी एक्सप्लेनेशन में या इसको समझने के लिए हम लेंगे वाटर के एग्जांपल ले लेते हैं वाटर जब बॉयल करता है तो नीचे वाले मालिक्यूल्स ऊपर आ जाते हैं ऊपर वाले जो होते हैं वो नीचे चले जाते हैं जिस तरह पानी में उबाल आ जाता है दैट इज़ कन्वेक्शन ऑफ हीट कन्वेक्शन अकर्स ओनली इन फ्लूड्स लिक्विड्स एंड गैसेज कन्वेक्शन कैन नाट अकर इन सॉलिड्स कन्वेक्शन सॉलिड्स में नहीं होती लिक्विड्स और गैसेज में होती है एज द एटम्स इन अ सॉलिड आर लोकेटेड इन फिक्स पोजिशन उसमें एटम्स सॉलिड में फिक्स पोजिशन में, में होते हैं इस वजह से वो मूव नहीं कर सकते कैन नाट चेंज प्लेस फॉर द सेम रीज़न कन्वेक्शन अकर वेरी इजिली इन गैसेज फॉर एग्ज़ाम्पल वी कैन वार्म आवर हैंड्स बाई होल्डिंग दैम आवर एन ओपन फ्लेम हम अपने हाथ छोले के ऊपर रख के फ्लेम के ऊपर रख के ईज़िली गर्म कर सकते हैं तो वो गैस के जो मलिक्यूल्स हैं वो आएँगे और हमारे हैंड्स को टच होंगे इससे हमारे हैंड्स हॉट हो जाएंगे गर्म हो जाएंगे इन दिस केस द एयर डायरेक्टली अबव द फ्लेम इज़ हीटेड एंड एक्सपेंड ही एयर जो है उस फ्लेम के ऊपर वो हीट होती है एक्सपेंड कर जाती है वो हल्की हो जाती है उसकी डेंसिटी कम होती है वो ऊपर उठ जाती है उसको फिल करने के लिए साइड से और एयर मालिक्यूल्स आ जाएंगे हीट इज़ ट्रांसफर्ड बाय द मूवमेंट ऑफ़ हीटेड पार्टिकल्स टू अंडरस्टैंड कन्वेक्शन टेक सम वाटर इन अ बीकर अब हम वाटर का एग्जाम्पल लेंगे थोड़ा सा वाटर एक बीकर में ले लें एंड ड्रॉप इन एट फ्यू क्रिस्टल्स ऑफ पोटाशियम पर मैगनेट हीट जेंटली द वाटर उस वाटर को हीट करें सी हाओ द कलर्ड वाटर मूव्स कैसे मूव करता है अभी हम उसके डायग्राम भी आपको दिखाएंगे कि किस तरह वो वाटर मूव करता है नीचे वाले मलिक्यूल्स ऊपर जाते हैं ऊपर वाले नीचे आते हैं तो यू विल ऑब्जर्व डैट स्ट्रीक्स ऑफ पर्पल कलर्ड वाटर बिगिन टू राइज एंड कोल्ड वाटर फ्राम द साइड टेक इट्स प्लेस द वाटर विल गो ऑन सर्कुलेटिंग एंड बिकम्स हॉटर एंड हॉटर Uh, पानी इस तरह पानी में उबाल आता रहेगा और पानी गर्म होता रहेगा इन दिस वे ईच पार्ट ऑफ द वाटर इज़ हीटेड इन टर्न द करांट सेटअप इन द प्रोसेस नोन एज कन्वेक्शन और ये जो मोशन है पार्टिकल्स की दिस इज़ कॉल्ड कन्वेक्शन करंट्स अभी इसकी डायग्राम देखते हैं जिस कन्वेक्शन करंट शोन इन वाटर बाय ड्रॉपिंग अ फ्यू क्रिस्टल्स ऑफ पोटेशियम पर मैगनेट इसमें हमने पोटेशियम पर मैगनेट डाला तो वो देखे पानी में पानी को नीचे से हमने फ्लेम दिया हुआ है तो बीकर में वो मालिक्यूल स्प्रेड होते हुए दिखाई दिए जा रहे हैं पोटेशियम पर मैगनेट डाउन अ ट्यूब एट द बॉटम ऑफ बीकर ऑफ वाटर वेन द ट्यूब इज़ रिमूवड एंड द बीकर हीटेड जस्ट बिलो द क्रिस्टल बाय द स्मॉल फ्लेम परपल स्टिक्स ऑफ वाटर राइज तो उसके इस तरह बादल से उठते हुए हमें ये नज़र आएंगे उसके बाद है हमें किस तरह आ, उसकी मोशन नज़र आएगी कि कन्वेक्शन करंट्स आर सेटअप व्हेन अ पार्ट ऑफ वाटर इज हीटेड इस तरह ये वाटर मालिक्यूल्स की मोशन हमें नज़र आएगी उसके बाद है मकैनिज़म ऑफ हीट ट्रांसफ़र के कन्वेक्शन में कौन सा मेकेनिज़म यूज़ होता है हीट ट्रांसफ़र करने के लिए द हीटेड पोर्शन ऑफ वाटर एट द बॉटम ऑफ एक्सपेंड्स बिकम लेस डेंस जो बॉटम पे होता है वो पार्ट वाटर का मतलब वो मॉलिक्यूल्स वाटर के हीट अप हो जाएंगे तो वो लेस डेंस हो जाएंगे वो हल्के हो जाएंगे डेंस द वार्म वाटर मूव्स हल्का पानी जो है या हल्के मालिक्यूल जो हैं वो ऊपर उठ जाएंगे इट इज़ रिप्लेस्ड बाय कोल्ड एंड डेंस वाटर अराउंड इज रिप्लेस्ड बाय कोल्ड एंड डेंस वाटर अराउंड इट द कोल्ड वाटर फ्लोइंग टू द पॉइंट ऑफ हीटिंग इन इट्स टर्न एब्जॉर्ब हीट इनर्जी एक्सपेंड्स एंड इज पुश्ड अपवर्ड तो वो जो बीकर के डाउन में वाटर मालिक्यूल्स हैं वो हीट अप हो के हल्के हो जाएंगे वो ऊपर उठ जाएंगे उनको उस की जगह घेरने के लिए साइडों से और ऊपर से ऊपर से मालिक्यूल नीचे आ जाएंगे साइड से उस जगह को घेर लेंगे थस अ कंटिन्यूस सर्कुलेटरी फ्लो इज़ इस्टेब्लिश्ड एट द बॉटम टू द टॉप ऑफ वाटर ब्लैक मार्क्स ऑफन अपियर ऑन द वॉल और सीलिंग हमें कभी कभार वॉल्स पे या सीलिंग पे जहाँ पे लैंप लगा हो तो उसके ऊपर ब्लैक स्पॉट्स भी नज़र आते हैं दे आर कास्ड बाय डस्ट बींगड अप फॉर डे नियर मालिक्यूल वो डस्ट के पार्टिकल्स होते हैं जो हवा के हवा में ऊपर उठ जाते हैं कन्वेक्शन करंट्स प्रोड्यूस बाय हॉट लैंप और रेडिएटर जहाँ पे लैंप वगैरह लगे हों तो फिर डस्ट के जो पार्टिकल्स हैं वो हल्के होकर ऊपर उठ जाते हैं तो हमें सीलिंग वगैरह पे ब्लैक ब्लैक स्पॉट्स नज़र आते हैं अब डियर स्टूडेंट इसके कन्वेक्शन के हम आते हैं प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस की तरफ तो इसके भी चार पाँच प्रैक्टिकल एप्लीकेशन डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं फर्स्ट वन है हीटिंग वाटर कि जब हम पानी को उबालते हैं या पानी गर्म करते हैं इफ़ इट वर नॉट द कन्वेक्शन करंट इट विल बी वेरी डिफ़िकल्ट टू बॉयल वाटर अगर कन्वेक्शन करंट्स ना होते तो पानी को उबालने के लिए काफ़ी मुश्किल होता लेकिन कन्वेक्शन करंट्स की मदद से हम ईज़िली पानी बॉइल कर सकते हैं लोअर लेयर ऑफ वाटर इन अ इलेक्ट्रिक कैटल एंड वार्म फर्स्ट दीज हीटेड वाटर एक्सपेंड एंड मूव अपड टू दॉप बिकॉज इट्स डेंसिटी लोअर मीन वाइल डेंस एंड कूल वाटर रिप्लेसिज द वार्म वाटर एट द बॉटम ऑफ द कैटल सो डैट इट कैन बी हीटेड तो ये अभी कैटल की पिक्चर आपको दिखाई जाएगी इस तरह केटल में जो यहाँ पे पार्टिकल्स होते हैं ये गर्म हो के हल्के हो जाएंगे ये ऊपर उठ जाएंगे और ऊपर से नीचे आ जाएंगे साइडों से इस तरफ़ आ जाएंगे यहाँ के जो पार्टिकल्स हैं ये ऊपर चले जाएंगे ऊपर वाले नीचे आ जाएंगे तो जिसे हम कहते हैं पानी में उबाल आना नेक्स्ट वन है इसका सी ब्रीज कन्वेक्शन काजेज़ कोस्टल ब्रीज डूरिंग द डे ये जो साहिल समंदर पे हवाएं चलती हैं डेट इज़ आल्सो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ कन्वेक्शन डूर तो होता क्या है कि डूरिंग द डे लैंड्स हीट अप मोर क्विकली दिन को जो साहिल समंदर पे रेत वाला हिस्सा है जो साहिल है वो जल्दी गर्म हो जाता है उसमें सैंड पार्टिकल्स होते हैं तो वो जल्दी गर्म हो जाता है पानी की नस्बत पानी की स्पेसिफिक हीट है फोर वन नाइन ज़ीरो जाउल्स पर के जी पर कैलवन तो वो पानी आहिस्ता आहिस्ता गर्म होता है लैंड जो है वो Uh, पानी की नस्बत जल्दी गर्म हो जाती है द हॉट एयर ओवर द लैंड एंड कोल्ड एयर फ्राम द सी ब्लोव टू रिप्लेस इट तो रेत के ऊपर जो हवाएं वो गर्म होकर ऊपर उठ जाती है तो उस जगह को घेरने के लिए पानी से हवाएं जो हैं पानी के ऊपर जो हवाएं हैं वो रेत की तरफ चली जाती है वो साहिल की तरफ चली जाती हैं थस देयर इज़ अ सी ब्रीज डूरिंग द डे तो इस ब्रीज को इन हवाओं को हम सी ब्रीज कहते हैं रात को क्या होता है रात को रेत जो है वो जल्दी ठंडी हो जाती है पानी की नस्बत एट नाइट द रिवर्स हैपन्स द लैंड कूल्स मोर क्विकली देन सी द हॉट एयर आवर द सी राइज एंड द कोल्ड एयर फ्राम द लैंड ब्लोज तो रेत जल्दी ठंडी हो जाती है पानी के ऊपर जो हवा होती है वो गर्म होती है वो ऊपर उठ जाएगी तो रेत से पानी की तरफ हवा आ जाएगी मीन साहिल से आ, समंदर की तरफ हवाएं फ्लो करेंगी ब्लो करेंगी तो दिस मोमेंट ऑफ यर इज़ कॉल्ड लैंड ब्रीज इसको कहते हैं लैंड ब्रीज रात को जो होगी उसे लैंड ब्रीज कहते हैं दिन को जो होगी उसे सी ब्रीज कहते हैं उसके बाद है राइडिंग ऑन थर्मल्स ये जब हम ये पहले सी ब्रीज के एग्ज़ाम्पल देख लें कि किस तरह पानी से पहले हमने सी ब्रीज का दिखाया पानी से खुश् की तरफ हवाएं आ रही हैं और रात को फिर खुशकी से पानी की तरफ हवाएं किस तरह फ्लो कर रही हैं उसके बाद है राइडिंग ऑन थर्मल्स थर्मल्स आर स्ट्रीम्स ऑफ हॉट एयर राइजिंग इन द सन दे आर कन्वेक्शन करंट्स बर्ड्स आर एबल टू फ्लाई फॉर आर्स ऑन थर्मल्स विदाउट फ्लैपिंग दियर विंग्स ये थर्मल्स जो होते हैं ये कन्वेक्शन करंट्स की लेयर होती है इसके ऊपर परिंदे अपने परों को फड़फड़ाए बगैर उनको मूव किए बग़ैर काफ़ी टाइम तक उसके ऊपर फ्लो करते रहते हैं उसके ऊपर तैरते रहते हैं सिमिलरली ग्लाइडर एरोप्लेन्स आर एबल टू राइज बाय राइडिंग ऑन थर्मल्स ग्लाइडर्स जो हैं ये भी इन थर्मल्स पे स्विम करते रहते हैं उसके बाद है रेफ्रिजरेटर पहले ए, ग्लाइडर की पिक्चर देख लें ये इस तरह हॉट एयर के ऊपर ये ग्लाइडर जो है ये फ़्लो कर रहा है तैर रहा है स्विम कर रहा है और दूसरी डायग्राम में उसके साथ छोटी जो डायग्राम है उसमें वो बर्ड्स दिखाई गई है ईगल दिखाई गई है कि वो किस तरह कन्वेक्शन करंट्स पे फ़्लो कर रही है उस पर अपने परों को फ्लैप किए बग़ैर उस पर मूव कर रही है उसके बाद है रेफ्रिजरेटर इन रेफ्रिजरेटर कन्वेक्शन इज़ यूज़ आ, टू सर्कुलेट कोल्ड एयर अराउंड द फूड फूड के इर्द गिर्द सर किया जाता है कोल्ड एयर का सर्कुलेट किया जाता है एयर इज़ कोल्ड बाई द फ्रीज़र कंपार्टमेंट एट द टॉप ऑफ रेफ्रिजरेटर एज इट सिंक्स इट इज़ रिप्लेस बाय वार्मर एयर तो वो इसी वजह से फ्रीज़र कंपार्टमेंट जो है मींस बर्फ़ जमाने वाला हिस्सा जो है वो ऊपर रखा गया वो ठंडा होके उससे जो गैसेज आएंगी वो ठंडी होकर नीचे की तरफ फ़्लो करेंगी और नीचे से फिर हॉट गैसेज ऊपर की तरफ अगर फ्रीज़र कंपार्टमेंट नीचे ही रख दिया जाता तो फिर गैसेज का फ्लो रुक जाता एज इट सिंक्स इट इज़ रिप्लेस बाय वार्मर एयर राइजिंग फ्राम द बिलो द सर्कुलेटिंग एयर कैरीज हीट इनर्जी फ्राम ऑल द फूड इन द फ्रिज तो फ्रिज के एग्ज देखते हैं पिक्चर इस तरह एयर कूल्ड बाई कूलिंग कॉयल सिंक्स टू द बॉटम ऑफ द रेफ्रिजरेटर ये ऊपर से ये जब उसको ठंडा कर लेती है एयर को ठंडा कर लेती है तो वो वायरिंग जो लगी हुई है वो कूलिंग कोयल जहाँ पे नज़र आ रही है उनकी मदद से वो कोल्ड एयर जो है वो नीचे वाले हिस्से को ट्रांसफ़र की जाती है तो यहाँ पे जो हॉट एयर होगी वो दूसरी कोयल में चली जाएगी दूसरी कोयल से वो मूव करके ऊपर वाले हिस्से को चली जाएगी रेफ्रिजरेटर के बाद है वेंटिलेशन कन्वेक्शन करंट्स आर यूज इन वेंटिलेशन कन्वेक्शन करंट्स वेंटिलेटर्स में भी वेंटिलेशन में भी यूज़ होते हैं रोशनदान वगैरह जो हम हमारे घरों में क्लास रूम में होते हैं योर क्लास रूम और रूम्स इन आर योर हाउसेज़ हैव वेंटिलेटर्स इंस्टाल्ड नीयर द सीलिंग वेंटिलेटर्स हमारे छतों के करीब इंस्टाल होते हैं उनमें हम कन्वेक्शन कैसे उसको ऑब्ज़रव करते हैं ये अभी कैमरा फोकस कर रहा है फ्रेश एंड कोल्ड एयर इज़ तब तक चलें आपको इसकी वेंटिलेटर्स की पिक्चर दिखा देते हैं ये डियर स्टूडेंट वेंटिलेटर्स में इस तरह ये कोल्ड एयर इंटर हो रही है हॉट एयर उधर से वेंटिलेटर से बाहर निकल जाएगी और कोल्ड एयर साइडों से उसको उस जगह को घेरने के लिए उस जगह को कवर करने के लिए इंटर हो जाएगी रूम में fresh and cold air is drawn into the room. through the doors and wi windows, similarly, hot gases from the fires in houses, factories rise up and escape through the uh, chimneys. गर्म हवा है फैक्ट्रियों में वो या घरों में जहाँ पे चूल्हे वगैरह जलते हैं तो वो चिमनीज़ के ज़रिए वो गर्म हवा बाहर चली जाती है और खिड़कियों दरवाज़ों से ठंडी हवा रूम में आ जाती है डियर स्टूडेंट्स यहाँ तक ये टॉपिक था कन्वेक्शन नेक्स्ट टॉपिक में इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम रेडिएशन कवर करेंगे यहाँ पे सेकंड मोड कंप्लीट हुआ हीट ट्रांसफ़र का दिस वाज ऑल अबाउट कन्वेक्शन थैंक यू